गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हम लोग स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा। चार्ज क्या होता है और साथ साथ उसकी यूनिट और उसके डायमेंशन और चार्ज बॉडी के बारे में पढ़ा। आज स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर वेयर एज Unlike charges, attract each other. ओके? अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि प्लस प्लस और माइनस माइनस है तो ये दोनों कैसे चार्जेस में बताइए लाइक चार्जेस। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट बताइए, इस केस में होगा रिपल्शन। और यदि स्टूडेंट्स अनलाइक चार्जेस हो यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी के हो तो यहां पे स्टूडेंट्स अपोजिट साइन के हो तो यहां पे होगा स्टूडेंट्स ये कहलाता है अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस में होगा स्टूडेंट्स बताइए अट्रैक्शन। तो जब भी स्टूडेंट्स दो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। और यदि स्टूडेंट्स दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के निकट हो और वो दोनों अपोजिट साइन के हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी एक दूसरे के नजदीक आना पसंद करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स स्केलर पार्टिकल होते हैं यानी चार्ज होता है स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी होता है। तो किसी भी सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट्स यदि मल्टीपल चार्जेस रखे हो तो हम लोग चार्ज को स्केलर रूप से एडिशन कर सकते हैं और यही स्टूडेंट्स कहलाता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यानी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी सो इट फॉलो एडिशन लॉ। इसे तो स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सपोज कीजिए एक हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर स्टूडेंट्स चार्ज है Q1 माइनस है Q2 प्लस का Q3। तो टोटल चार्ज ऑन सिस्टम वो हो जाएगा स्टूडेंट्स इन सब पे एडिशन। तो एडिशन किस प्रकार से स्टूडेंट्स, इसका अलजेब्रिक एडिशन। तो अलजेब्रिक एडिशन ऑफ चार्जेस और स्केलर एडिशन ऑफ ऑल चार्जेस। क्या क्या होगा स्टूडेंट देखिए, Q1
माइनस क्यू टू प्लस का क्यू थ्री, ये है स्टूडेंट्स टोटल चार्ज ऑन सिस्टम, ये कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा स्केलर्ड एडिशन ऑफ चार्ज। ओके अब स्टूडेंट्स हमारे चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या नाम है स्टूडेंट बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थर्ड है स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अ चार्ज बॉडी कैन हैव अ चार्ज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एक चार्ज बॉडी के पास जो चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होंगे, यानी चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी कैन हैव ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एक चार्ज बॉडी के पास स्टूडेंट जो टोटल चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट्स बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एन इक्वल टू एन इंटीजर। और स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग डिनोट कर सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि अ बॉडी कैन हैव ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। यानी एक चार्ज बॉडी के पास केवल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। और ये जो एन है स्टूडेंट्स वो इंटीजर है, और यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इंटीजर इक्वल टू यानी आई इक्वल टू एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे चार्ज के नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है स्टूडेंट्स ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज प्रॉपर्टीज नंबर 4, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी स्टूडेंट्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर होना कहलाता है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। यानी चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्टूडेंट्स ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हो सकता है, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो बॉडी है, से बॉडी ए और ये रहा स्टूडेंट्स बॉडी बी। इस बॉडी ए से बॉडी बी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, और ये जो स्टूडेंट्स चार्ज का ट्रांसफर होगा ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
यानी एक बॉडी से स्टूडेंट्स दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर होता है और ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज के स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी पांचवा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां बोला गया स्टूडेंट्स कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्ज होते हैं स्टूडेंट्स वो कंजर्व होते हैं, यानी चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसे स्टूडेंट्स केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है स्टूडेंट्स कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज क्या होता है स्टूडेंट बताइए कंजर्व होते हैं। इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है, इसे ना तो बनाया या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह कहलाता है स्टूडेंट हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिस्टम है, मान लीजिए ए, इस सिस्टम पे चार्ज है Q1, Q2 एंड Q3। अब बाय सम प्रोसेस चार्ज को स्टूडेंट्स ट्रांसफर कर दिया गया है बॉडी बी के अंदर और चार्ज है कुछ स्टूडेंट्स Q4, Q5। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि QA इक्वल टू कितना है देखे QB, यानी चार्ज ऑन सिस्टम ए विच इज इक्वल टू चार्ज ऑन सिस्टम बी, यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी के पास जो स्टूडेंट्स टोटल चार्ज है वह है स्केलर एडिशन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q4 एंड Q5 प्लस का Q5। तो यह कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ लास्ट यानी प्रॉपर्टीज नंबर 6 इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अब जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि एक मास जो होता है स्टूडेंट्स m इक्वल टू
एम नॉट रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी बॉडी का मास जो होता है वह स्पीड के साथ क्या होता है फ्रेंड्स बताइए, चेंज हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स कि मास ऑफ बॉडी इज चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड। जबकि फ्रेंड्स कि चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड बट चार्ज ऑफ बॉडी does not depend on speed, यानी चार्ज ऑफ द बॉडी does not depend on speed, यानी वो स्पीड पे निर्भर नहीं करता है। इसी का स्टूडेंट हम लोग कहते हैं invariant properties of charge, यानी चार्ज की invariant property। या स्टूडेंट इसे हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी का चार्ज जो होता है वो रेफरेंस फ्रेम पे निर्भर नहीं करता है। तो यहां पे स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट भी ले सकते हैं कि चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। इसका अर्थ क्या हुआ इसको देखें, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसका स्टूडेंट्स ओरिजिन ओ, और एक और कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं से ये रहा ओरिजिन स्टूडेंट्स ओ डैश। अब ओ एंड ओ डैश के रिस्पेक्ट में यदि किसी पार्टिकल का चार्ज, कोई पार्टिकल पी है, यदि उस पर स्टूडेंट्स चार्ज कितना है देखे क्यू, तो चाहे आप ओ के रिस्पेक्ट में देखे या ओ डैश के रिस्पेक्ट में देखे, बॉडी के ऊपर यानी पी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होंगे वो कितना होगा स्टूडेंट बताइए क्यू, यानी चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, यानी चार्ज होता है स्टूडेंट्स रेफरेंस फ्रेम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये प्रॉपर्टी कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज नंबर सेवन। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास जो चार्ज है क्यू, यदि वो चार्ज फ्रेंड्स रेस्ट पे हो तो ये प्रोड्यूस करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि फ्रेंड्स चार्ज रेस्ट पे हो तो ये प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि स्टूडेंट्स चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो ये स्टूडेंट्स प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए फ्रेंड्स यदि चार्ज हमारा एक्सेलरेटेड मोशन में हो, इन एक्सेलरेटेड मोशन तो ये जो चार्ज होगा फ्रेंड्स प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑल्सो रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका स्टूडेंट हम लोग कहेंगे रेडिएशन। जब स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल यानी जब कोई चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टीज। आप सभी लोग नोट्स को जरूर मेंटेन रखें, क्लासेस को प्रॉपर ध्यानपूर्वक सुनते रहें, वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। हमारे साथ चैनल के साथ यानी जुड़े, हमारे चैनल को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, भारत एजुकेशन सर्कल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।